अच्छा देखो, यहाँ पर एक मेरे पास एक सेल है, ट्रिपल ए का सेल है। तो ये अल्कलाइन सेल है, तो इसमें थोड़ा सा 0.1 वोल्ट ज़्यादा रहता है। तो इसको देखो, ये 1.65 आया। यहाँ पर मैंने और एक दो तीन, यहाँ पर और तीन, टोटल चार अल्कलाइन सेल लिया है। अभी इसके प्लस के साथ, यहाँ पर प्लस है, प्लस के साथ माइनस अगर कनेक्ट करूँगा तो ये दोनों ऐड हो जाएगा वोल्टेज। देखो ये भी 1.6 है, ये भी 1.6 है, एक इन दोनों का ऐड होके हो जाएगा 3. देखो कनेक्ट नहीं हुआ, ये देखो 3. वहाँ पर जो आया तुमको, मतलब दोनों ऐड हो गया। और इसके साथ और एक का ऐड करूँ तो देखो ऐड हो गया, और एक को ऐड करूँ तो लूज कॉन्टैक्ट हो रहा है, उसके लिए यहाँ पर फ्लक्चुएट हो रहा है। ठीक है, मतलब चारों प्लस के साथ माइनस, प्लस के साथ माइनस अगर कनेक्ट करो तो ये चारों ऐड हो जाएगा। ठीक है, पर अगर यहाँ पर ये देखो, ये प्लस है, ये प्लस है, माइनस है, ये प्लस है, माइनस है, मैं इसका अगर उल्टा कर दूँ तो कितना वोल्टेज आएगा? यहाँ पर दोनों वोल्टेज माइनस हो गया। देखो मतलब इसी को अगर तुम ऐसे करके प्लस के साथ माइनस कर दो तो ये ऐड हो जाएगा, और इसी को अगर तुम उल्टा कर दो तो माइनस के साथ प्लस, प्लस के साथ माइनस अगर कर दो तो ज़ीरो हो जाएगा। मतलब ये भी 1.6, ये भी 1.6, ये दोनों माइनस हो रहा है। मैं यहाँ पर और एक सेल ले रहा हूँ, इसका वोल्टेज थोड़ा सा कम है। यहाँ पर देखो, ये प्लस के साथ माइनस को लिया, ये 1.53 है, तो इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इसको ऐसे करके अगर ऐड करूँगा तो देखो एक रिजल्टेंट वोल्टेज आएगा, ये देखो दोनों को माइनस करके जो आया था वही आएगा। अगर इन दोनों को ऐड कर दो तो ठीक है, मतलब ये दोनों ऐड हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये दोनों ऐड हो रहे। और इसको उल्टा कर दो तो माइनस हो गया। क्लियर?